दोस्तों, आखिर क्यों कबूतर अपना घोंसला पेड़ों पे नहीं बनाते हैं? उसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि वह ज़्यादातर पेड़ों पे बैठते भी नहीं हैं। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे और कुछ रीजंस भी जानेंगे कि कबूतर अपना घोंसला पेड़ों पे क्यों नहीं बनाते हैं। पहला रीजन, पेड़ एक खुले स्थान पर होता है और उसको बहुत से परिस्थितियों से भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि बारिश, तेज हवाएं और धूप, और उसमें जो जीव रहते हैं उनको भी इन चीज़ों से सामना करना पड़ता है और शायद इसीलिए कबूतर पेड़ों पर नहीं रहते हैं। दूसरा रीजन, पेड़ के आसपास बहुत से आवाज़ें आती रहती हैं, जैसे कि कोई लकड़हारा पेड़ काट रहा है, जिससे बहुत से आवाज़ें आती है। और हम जानते हैं कि कबूतर को शांति का प्रतीक कहा जाता है, वह वहीं पर रहते हैं जहां पर शांति होती है। तीसरा रीजन, आजकल हम देख रहे हैं कि पेड़ से अधिक घर दिखाई दे रहे हैं, पेड़ कम होते जा रहे हैं और घर ज़्यादा होते जा रहे हैं, जिसके वजह से सिर्फ कबूतर ही नहीं बहुत सी चिड़िया अपना घोंसला घरों में बनाना शुरू कर दिए हैं। और इसी के वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। तो ये थे आज के कुछ रीजंस कि कबूतर अपना घर पेड़ों पर क्यों नहीं बनाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।